जय माता की। मित्रों, आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में माँ सिद्धदात्री की पूजा अर्चना आप लोगों ने किया और ये माँ सिद्धियों को प्रदान करती हैं, समस्त कलह को दूर करती हैं, समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करती हैं। और जब जब महामारी आती है या इंसान घोर संकट में होता है तो माँ हमेशा उससे जनमानस का कल्याण करती हैं। माँ जगत जननी का मंदिर बूला नाला वाराणसी में, बूला नाला एक जगह है वहाँ वाराणसी में, और उत्तर प्रदेश के ही कन्नौज में, दोनों जगह यह मंदिर है। और इस मंदिर पर भी लोग माँ के दर्शन करने आज के दिन जाया करते हैं। आज तो समस्त मंदिर बंद हैं इस वैश्विक महामारी की वजह से, और माँ की सबसे बड़ी कृपा ये है कि माँ सिद्धियों को प्रदान करती हैं। अगर माँ की सिद्धियाँ इन दो मंदिरों के अतिरिक्त खास तौर से लोग आसाम में कामाख्या देवी और वेस्ट बंगाल में माँ तारापीठ के मंदिर पर भी सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और माँ बड़ी दयालु हैं, ये माँ को निश्चल मन से अगर इनकी पूजा अर्चना की जाती है तो ये आपकी प्रार्थना को सुनती हैं। और जैसे दुर्गा सप्तशती में देखा कि उस वैश्य उस राजा के 3 साल के लगातार पूजा अर्चना नदी के किनारे बैठकर करने से जो उनको वरदान दिया माने, उसी तरह से आज के कलयुग में केवल माँ का स्मरण मात्र से ही माँ समस्त दुखों को दूर करती हैं, बशर्ते निश्चल मन से माँ की पूजा की जाए। और वैश्विक महामारी के बारे में कहा गया है कि माँ सिद्धदात्री की पूजा अर्चना अगर की जाए तो ये महामारी से निजात मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आज के पश्चात कम से कम 15 अप्रैल के बाद इस महामारी से हम पूरे विश्व का को धीरे धीरे निजात मिलेगी और दवा की भी खोज होगी। जब सूर्य मेष राशि में आएगा 13 अप्रैल को, तो उसके बाद दवा की भी निजात, दवा की भी खोज होगी और उस दवा से भी इसको निजात मिलेगा। लेकिन आपको जो भी बताया जा रहा है सुरक्षा के उपाय, उसे जरूर उस पर ध्यान दें, अन्यथा आपके घरों में बहुत से चीज़ें जो मंगाते हैं बाहर से, उसके माध्यम से भी ये बीमारी घर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए उससे भी बहुत सावधानी पूर्वक उसका इस्तेमाल करें, उसकी साफ़ सफाई के बाद ही उसे इस्तेमाल करें। चाहे जो भी चीज़ आप मंगाएं, जो भी चीज़ आप एक घर में बाहर से आए, उस पर भी ध्यान दें। और आज शाम को आप सभी से निवेदन है, क्योंकि आज रामनवमी है, आज भगवान का जन्म भी कुछ लोगों के घरों में 12 बजे हुआ होगा, तो आज रामनवमी भगवान रामचंद्र जी का जन्म है, तो आज के दिन कम से कम अपने दरवाजे पर, वैसे तो 9 दीपक जलाना है, अगर आप 9 नहीं तो 9 दीपक अपने दरवाजे पर 7:30 बजे अवश्य जलाएं। माँ आपका कल्याण करें, सर्व मनोकामना पूर्ण करें। हमेशा जब भी समय प्रतिकूल आया है तो प्रतिकूल के साथ साथ अनुकूलता का भी जन्म होता है, यानी प्रतिकूल समय खत्म होते ही अनुकूलता उस पर हावी होती है। तो आपका समय पुनः अनुकूल हो, पुनः सब अच्छा हो, सब परिवार सबका कल्याण हो। जय माता की।